शारदीय नवरात्रि के अवसर पर श्री गोरखनाथ मंदिर में चल रहे शक्ति की देवी मां दुर्गा के आराधना पर गुरुवार को नवमी के मौके पर मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने नौ देवी स्वरूपा कुमारी कन्याओं का पूजन एवं आरती विधि विधान से करने के बाद उन कन्याओं को भोजन प्रसाद तथा दान दक्षिणा देकर विदा किया। नौ कन्याओं को भोजन कराने के उपरांत महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदू धर्म में कुमारी कन्याओं का पूजन एवं सत्कार आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन है, जो समाज आदि शक्ति मां भगवती के विभिन्न स्वरूपों का उपासक रहा हो उसमें कन्या भ्रूण हत्या का तथा मातृ शक्ति के साथ होने वाले अपराध गंभीर चिंता का विषय है तो ही साथ ही आध्यात्मिक शक्तियों को नकारने जैसा भी है। सीएम योगी ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म में कुमारी कन्याओं का पूजन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का एक अवसर तो होता ही है, साथ ही ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य आदि की कामनाओं के लिए भी कुमारी कन्याओं का पूजन शास्त्र विहित है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। चारों वर्णों की कन्याओं का पूजन जब हिंदू धर्मावलंबी संपन्न कराता है तो वो चारों वर्णों की एकता से उत्पन्न शक्ति का प्रतीक भी बनता है। नवरात्रि का अनुष्ठान आध्यात्मिक शक्ति संचय के साथ साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का पर्व है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्यमंत्री व गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा, thank you.
साथ खाइयो तो साथ खाइयो ना बोले नहीं क्या नाम है पंडित जो यहाँ पे महाराज जी आए थे उनके वो हम लोग का पूजा करते हैं इसीलिए आए थे क्योंकि वो हम लोग का पैर धोते हैं हमको टीका लगाते हैं हमको माला पहनाते हैं और हमको चुनरी पहनाते हैं हमको पैसा देते हैं हमको पानी पिलाते हैं हमको खाना खिलाते हैं बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या नाम है? कनिष्का। हम परम पूज योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज संध्या खिलाए हैं और अपने हाथ से भोजन तले हैं और बलि थाली में पैर धुले हैं और माला पहनाए हैं चुनली पहनाए हैं और दक्षिणा दिए हैं और पूजा तले हैं। मानसी सिंह। आज शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि है। विगत 9 दिनों से शारदीय नवरात्र का जो अनुष्ठान चल रहा है आज इस अवसर पर नौ दुर्गा स्वरूपा नौ कुमारी कन्याओं का पूजन और उनके सत्कार का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की हमारी सनातन संस्कृति कितनी समृद्ध है, मातृशक्ति के प्रति सम्मान का भाव, उनके अंदर सुरक्षा का भाव जागृत हो, यह एक अत्यंत समृद्ध परंपरा को प्रदर्शित करती है। और यही कारण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मातृशक्ति के कल्याण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिलाओं से संबंधित उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए हमें एक कार्यक्रम चलाया। वास्तव में जिस समाज में मातृशक्ति के प्रति इतना सम्मान का भाव हो, उन्हें शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के रूप में या फिर समाज के अंदर हमने उन्हें इतना पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया है, उस समाज में महिला संबंधी अपराध, उस समाज में महिलाओं के साथ बेटियों के साथ भेदभाव होना वास्तव में आध्यात्मिक शक्तियों को नकारने जैसा ही है। नवरात्र का ये पर्व वर्ष में दो बार आता है, चैत्र मास में हम लोग वासंतिक नवरात्र में भी शुक्ल पक्ष की नौ तिथियों में मातृशक्ति का पूजन और अनुष्ठान इसी प्रकार से करते हैं। नौ दिनों तक आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा की नौ रूपों की पूजा होती है और नवमी के दिन कन्या पूजन का कार्यक्रम इसी प्रकार से संपन्न होता है और अश्विन मास में भी शुक्ल पक्ष की प्रथम नौ तिथियों में जिन्हें हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, नवरात्रों में आदिशक्ति माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का एक कार्यक्रम इसी रूप में संपन्न होता है और नवमी के दिन को आत्मसात करने का दिन है नवरात्र का पर्व। जिस समाज में मातृशक्ति का सम्मान होगा, उनकी सुरक्षा और उनकी समृद्धि के लिए समाज जागरूक होगा और समाज खुशहाल होगा और समाज प्रगति करेगा, विकास की बुलंदियों को छुएगा,
नवरात्र का पर्व हम सबको यही प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रतिवर्ष मुझे दोनों नवरात्रों में शक्ति स्वरूपा इन देवी स्वरूप कन्याओं का पूजन करने का और उनका सत्कार करने का अवसर प्राप्त होता है और फिर उसके अनुरूप हमें महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, बहन और बेटियों की सुरक्षा के प्रति एक नई जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। आज इस प्रकार के अनेक महिला संबंधी स्वावलंबन के कार्यक्रम, सुरक्षा से संबंधित अनेक कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार चला रही है। मैं शारदीय नवरात्र के अवसर पर प्रत्येक प्रदेशवासी को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास व्यक्त करता हूं कि शारदीय नवरात्र का यह पर्व हम सबको मातृशक्ति की सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा, बिना भेदभाव के हम शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने का कार्य कर सकें, उन्हें एक सुरक्षित माहौल दे सकें। और मुझे लगता है कि हर परिवार अगर जागरूक हो जाएगा तो महिला संबंधी अपराध स्वतः समाप्त होंगे, दहेज उत्पीड़न की घटनाएं समाप्त होंगी और बेटियों के साथ या महिलाओं के साथ होने वाले किसी प्रकार के भेदभाव से समाज मुक्ति पा पाएगा। और जिस दिन महिलाओं के प्रति या बेटियों के प्रति होने वाले किसी भेदभाव और असुरक्षा के माहौल को हम सब मिलकर के समाप्त करेंगे, उस दिन समाज न केवल सुरक्षित होगा अपितु तो समृद्धि की नई ऊंचाइयों को भी प्राप्त करेगा। मैं शारदीय नवरात्र के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेशवासियों को अपनी हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ।